मसीह खुदावन में आप सबको मेरा सलाम मेरा नाम कैरल है और मेरा ताल्लुक सेंट जोसेफ कैथलिक कैथेड्रल, इस्लामाबाद, रावलपिंडी पिंडी से है हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस मत्ती के झील उसका नौ बाप उसकी छत्तीस आयत से लेके दसवें बाप की पहली आयत तक और जब उसने हजूम को देखा तो उसे उस पर तरसाया क्योंकि वो उन भेड़ों की मानें जिनका चरवाहा ना हो खस्ता हाल और परा थे तब उसने अपने शागिदों से कहा कि फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं इसलिए तुम फसल के मालिक की मेहनत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे फिर उसने अपने बारह शागिर्दों को पास बुलाकर उन्हें नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उन्हें निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो खुदा का शुक्र हो आज चार अगस्त 2022 हज़ार जुमेरात है और आज सारी किसिया मिलकर मुकद्दस जान मेरीवयानी की ईद मनाती है इस अज़ीम मुक़दस को अमूमी अंदाज में तमाम डायससन कहनों का मुरबी लेकिन खसूसी तौर पर पेरिश पीस्ट कहनों का मुरबी और उनकी पासबानी ज़िंदगी के लिए खूबसूरत और काबिल तकलीद नमूना कहा जाता है मुकदस जान मेरी बयानी आठ मई सत्रह सौ छियासी को फ्रांस के एक शहर लियोन में पैदा हुआ उसका योम वफात चार अगस्त अठारह सौ उनसठ है और उसे मुक़दस करार दिए जाने का दिन 31 मई 1925 है उसे पोप पायस ग्यारवे ने मुक़दस करार दिया था जान मेरी व्या के दौर ज़िंदगी में फ़्रांस के हालात क्लिस हलकों के लिए खसून खुशगवार ना थे बहुत से कहनों को कत्ल किया जा रहा था और वो तन्हाई खामोशी और गुमनामी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे ऐसे में मुकदस जान मेरी व्या के घर में काहिनों की मेहमान नवाजी होती रहती थी घर में काहिनों को देख देख कर एक तरफ उसकी माँ की ख़्वाहिश थी कि उसका बेटा काहिन बने तो दूसरी तरफ एक काहिन की मुआवनत से जान मेरी वियानी में काहिन बनने का जज्बा वाज तौर पर बेदार हुआ वो बचपन से होश के आयाम तक पहुँचा तो अक्सर खुफ़िया जगहों पर अदा की जाने वाली यूकश्ती इबादत में शर्क हुआ करता था आठ साल की उम्र का था कि बाप की जगह भेड़ों की जिम्मेदारी जानवरों की देखभाल उसे सौंपती गई कहा जाता है कि हमेशा खुदा के एहसास में रहता दूसरों की मौजूदगी में वो खामोशी से दुआ करता लेकिन जब अकेला होता तो बुलंद आवाज से दुआ करता हल चलाते वक्त भी उसे एक ख़याल ये रहता कि जिस तरह वो ज़मीन में हल चलाता है उसी तरह उसे अपनी रूह के अंदर भी हल चलाना है बुराई की हर जड़ी बूटी को निकालना है खुदा के लिए अच्छा बीज बोना है और अच्छा फल पैदा करना है जब वो तेरह साल की उम्र को पहुंचा, तो उसने पहली दफ़ा पाचशाकत ली इससे उसके काहिन बनने के इरादे में पुख्तगी आई और उसने फैसला कर लिया कि वो काहिन बनेगा उसने इस ख्वाहिश का इजहार करने के लिए चार साल का वक्त लगाया और अपने बाप के सामने अपनी ख्वाहिश रखी और कहा जाता है कि बाप ने हाँ कहने और उसे इजाज़त देने के लिए मज़द दो साल लगा दिए जब वो कहानत की तालीम हासिल कर रहा था तो जान मेरी व्या को और उसके इस को एहसास हुआ कि उसकी तालीमी सलाहियत बहुत कमज़ोर है वो लातीनी ज़ुबान के रमूज नहीं सीख सकता इसलिए उसकी तली तरबियत का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया एक दफ़ा तो उसे अपने घर भी भेज दिया गया और फिर उसे लातीनी की बजाय फ्रांसीसी ज़ुबान में लाहियात की तालीम दी गई और बिलाकर उसे कहाानत के लिए चुन लिया गया इस इंतख्य की बुनियाद उसकी तलीमी सलाहियत और काबिलियत तो वाज है कि नहीं थी लेकिन उसकी सादगी उसकी हलीमी नक्की सबत कदमी और वफादारी ज़रूर उसके चुनाव की बुनियाद बना तालिमी कमज़ोरी लेकिन रूहानी मजबूती की रिपोर्ट सुनकर उसके बिशप और कार्डिनल ने कहा बस यही काफ़ी है मैं उसे कहानत के लिए कबूल करता हूँ बाकी का काम खुदा का फजल करेगा लिहाजा उसे 9 अगस्त 1815 को काहिन मखसूस कर दिया गया ऐसे में लोग सोचने लगे कि इसके खुतबात और वाज सुस्त और गैर मैारी हुआ करेंगे ये कृषि के इंतज़ामी अमूर को भी नहीं चला पाएगा जान मेरी वानी को दो साल किसी दूसरे कहन के साथ मुआवन की हसीियत से रखा गया और उसके बाद उसे फ़्रांस के एक देहाती इलाके आर्ज़ में कहनाना ख़िदमत सौंप दी गई इसी बुनियाद पर उसे ऑफ आर्स कहा जाता है यहाँ जान मेरी व्यानी ने बयालीस साल तक ख़िदमत की इस गांव के लोगों के बारे में कहा जाता था कि ये शराब नौशी इखलाक बेरा याश पसंदी और इतवार के दिन ऐशो नशात की महफिलें करने के आदि थे जब जान मेरी बयानी इस गांव में भेजा गया तो कहा गया कि तुम्हें इस गांव में खुदा के लिए बहुत प्यार नहीं मिलेगा लेकिन तुम्हें इस प्यार को बेदार करना है और इस प्यार को बढ़ाना भी है फिर कहा जाता है जान मेरी बयानी घर घर जाकर लोगों से मिलता बीमारों की यादत करता गिरजा घर में पाकिस्त के सामने सारा सारा दिन गुजार देता और अपने पैरिश के लोगों की हदायत बेदारी और रहनमाई के लिए दुआ मांगा करता आहिस्ता आहस्ता लोग उसकी ज़िंदगी देख कर और उसका कलाम सुनकर उसकी तरफ आना शुरू हो गए वो उनके लिए अतराफ़ के साकार का मौका फ्राहम करता और उनसे खुदा की महब्बत की बातें करता था वो कुछ 16 से 18 घंटों तक भी एतराब की कुर्सी पर बैठा रहता लोगों को तौबा के लायक और नेक जिंदगी गुजारने के लायक नसीहत करता आहिस्ता आता उसकी शहरत दूर दराज के इलाकों तक पहुँची उसकी दुआओं का असर फैलना शुरू हुआ और पूरे फ्रांस और दीगर ममालिक से भी लोगों का हजूम दर हजूम आना मामूल बनता गया इसके लिए मुकामी हुकूमत और इंतज़ामिया को लोगों के लिए आम के हफ्ते खूशी ज़राए का इंतज़ाम करना पड़ता इस तरह गुनागार तब्दील होते गए बीमारों को शफा मिलती रही लोगों में रूहानी ज़िंदगी और नेकी फरोग पाने लगी लोग कहते किसी काहिन ने हमसे खुदा के बारे में इस तरह कलाम नहीं किया जैसे ये करता है उसके बारे में किसी काहिन ने एक बार यूँ कहा था कि जब वो योखिश के सामने घंटों बैठा रहता तो वो क्या करता था जिस पर कहा जाता है कि जान मेरी वियानी ने कहा हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं योख में बैठा यस्सु मसीह मोहब्बत से मुझे देखता है और मैं मोहब्बत से उसे देखता हूँ बस यही काफ़ी है वो सख्त रियाजती इमाल भी करता मुखालफन की उल्टी सीधी बातों की परवाह किए बग़ैर वो अपने काम से काम रखता दुआ करता नेकी खिदमत और मोहब्बत के कायम काम करता शिकायत के बाद जब मुकामी बिशप को उसकी खातर दरियाफ्त करना पड़ा तो उसने तमाम इल्जाम को मुस्तरद कर दिया और शख्सी गवाही की बुनियाद पर उसने जान मेरी वियानी को तमाम कहनों के लिए एक नमूना करार दिया जान मेरी वियानी ने हकूमती हलकों की तरफ से मिलने वाले कीमती तहफ को बेच बेच कर गरीबों की मदद के लिए दे दिया उसके ईमान और कहना जज्बे से मुतल एक बात उससे यूँ मनसूब है वो कहा करता था अगर हम कोई भी काम खुदा को नज़र किए बग़ैर करते हैं तो सब कुछ बेकार है जान मेरी व्या की ज़िंदगी को सामने रखते हुए पहली तलावत में हिस्कियाल नबी के कलाम को सामने रखते हुए और पाक इंजील में ख़ुदाम यसुसी के कलाम को संजीदगी से अमल में लाते हुए आज तमाम काहिनों को उसके कलाम मुक़दस की रोशनी में इस बात को ध्यान में रखना चाहिए हमें खुदा ने चुना है खुदा ने हमें अपने लोगों की पासबानी सौंपी है इस जिम्मेदारी के निभाने में आराम पसंदी तन आसानी खुद गर्जी शख्स इरादों की तस्कीन और तकमील नहीं बल्कि खुदा के लोगों की रहनुमाई करना भटके और गुमराह होने से उनकी भटकने और गुमराह होने से उनकी हिफाजत करना उन्हें राह रास्त पर लाना ईमान में उनकी तरबियत करना उनकी हिफाजत करना और अपने समेत उन्हें भी दूसरों के लिए काबिल तकलीद नमूना बनाना है इंजील की रोशनी में शरीर को उसकी शरारत से आगाह करना और उसे राह रास्त पर लाना नीज़ साधक को उसकी रास्तबाजी में उसतवार करना है उसे इस्तेकाम बख्शना है ये के नमूने को सामने रख कर तमाम कहनों को तमाम पासबानों को चाहिए गाँव गाँव शहर शहर हर जगह हर इबादत खाने में तालीम दें खुदा की बादशाही की खुशखबरी को सामने रखें और इस खुशखबरी को लोगों तक पहुँचाएँ मुक़दस जान मेरी रयानी की तरह से बीमारों और कमज़ोरों को विजिट करें उनको संभालें उन्हें खुदा की शिफा की खुशखबरी दें खस्ता हाल और परगंदा भेड़ों की फ़िकर करें मुकदस जान मेरी व्या से सीखें कि अपने लोगों के लिए दुआ करना हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है नए मज़दूरों के लिए दुआ करना हमारा हर रोज़ का काम है खुदा और लोगों को कहना ख़िदमत के लिए बुलावे की दावत देना और मजबूत बनाना हमारा काम है लिशिया के ममिन को भी चाहिए कि अपने कहनों के लिए हमेशा दुआ करें नए कहनों और जैर तरबियत कहनों और लोगों की हौसला अफसाई करें नीस खुदा से ये मांगें कि वो अच्छे काहन भेजें उन्हें नेक बनने और नेक रहने का फ़जल दे खिदमत में कामों में उन्हें सरगर्म और वफादार बनाए उन्हें हर आजमाइश पर यसु की कुदरत से फतेह पाने का फजल दे और आज पाकिस्त में यस्म से मिलकर यसु को पाकर हम कर की यवल से जान मेरी मेरीवानी की तरह से इस यू खिश्त में मौजूद यस्सु से मोहब्बत करें उससे मिलें उसके पास बैठें और उससे एक दूसरे के लिए दुआ करें अमीन